नाज़रीन, इस वक्त जो बहस चल रही है वो क्रिकेट वर्ल्ड कप के हवाले से चल रही है, और भारत की जो है वो बेट गवर्नर्स और भारत के जो गेंदबाज है उनकी बड़ी चर्चा हो रही है कि ऐसे लग रहा है कि जैसे मिग्रा, वसीम अकरम, ब्रेट ली, चांटेक सब इनमें समा गए। वो बॉल को स्विंग भी कर रहे हैं और स्पिनर जो है वो बड़ा डोमिनेट कर रहे हैं, जैसे शकील, मुश्ताक अहमद, मुरलीधरन और शेन वॉर्न, वो सब उनमें आ गए। वो लेग स्पिन करे या हाफ स्पिन करे, उसी विकेट पे 400 साढ़े 400 रन बन रहे हैं, उसी विकेट पे जो है 87 रन बन रहे हैं। अब फट गए, फट पड़े हैं भारत के जो है तो रिटायर खिलाड़ी है भज्जी, यानी हरभजन सिंह। उन्होंने अपने इंटरव्यू में बोला कि ये कैसे हो सकता है कि एक टीम 400 रन बना रही है और दूसरी टीम जो है इतनी कम रन बना रही है, कुछ तो है। और दूसरी बड़ी उन्होंने जो है वो तनकीद की है अंपायरिंग के स्टैंडर्ड पे कि अगर DRS में आपका बॉल विकेट को हिट करता है तो उसको आउट दिया जाता है, अगर हिट नहीं करता, विकेट मिसिंग कर रहा है, तो उसको नॉट आउट दिया जाता है। पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के मैच में ये हुआ था कि आधा बॉल हिट कर रहा था, आधा बॉल हिट नहीं कर रहा था। मसला ये है कि अगर जो कानून बना गया है, उन्होंने कहा कि जो नियम बनाया गया है तो नियम ये था कि अगर स्टंप को बॉल लगता है आधा या पूरा तो तब्रेज़ शम्सी जो थे वो आउट थे और पाकिस्तान वो मैच जीत जाता। आज इतने तजस्सुस में हम नहीं रहते कि पाकिस्तान फाइनल में, सेमीफाइनल में आएगा या नहीं आएगा, यानी नीट और क्लीन चिट मिल गई थी पाकिस्तान को और पाकिस्तान वो मैच जीत गया था। और अंपायरों के लिए उन्होंने ये कहा है कि ऐसे बैड डिसीजन लेने के बाद क्यों नहीं एक्शन उठाया जाता, यानी पूरी मैच का जो है वो बेड़ा गर्क कर देते हैं, सत्यानाश कर देते हैं। एक टीम जो है वर्ल्ड कप खेल रही है, सिर्फ एक मैच का जो है वो नाम नहीं है, वर्ल्ड कप से उस टीम को आउट किया जा रहा है, यानी कि ये तो सरासर दुश्मनी हुई। DRS का जो सिस्टम है उसमें मैंने पहले भी बात की, चेंजेस हो सकती है, मगर अब जो ये डिसीजन आया है, बार बार भारतीय मीडिया पर चर्चा हो रही है, बार बार भारत में इस बात पर बात हुई है, और हसन रजा ने भी इस पर खुल कर बोला है कि बिल्कुल बाल में ऐसी सहूलियतें ली जाती है। सियालकोट में जाकर उन्होंने जब पूछा कि बाल में इस चीज़ हो सकती है कि एक इनिंग जो है हम बैटिंग आराम से कर सके, दूसरी इनिंग में बाल जो है वो स्विंग होना शुरू हो जाए, उन्होंने कहा यह कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं है, बाल में ऐसी चेंजेस हो सकती है, क्योंकि पाकिस्तान वो मुल्क है जहाँ पर जिनके बाल जो है नफ़कत पाकिस्तान में, मगर इंग्लिश काउंटीज़ में पाकिस्तान के बाल वो पास होते हैं और उनकी साख बड़ी अच्छी होती है, चाहे वो क्रिकेट बाल हो या फुटबॉल का बाल। अक्सर जिन बालों के हम स्टेम दूसरों के देखते हैं वो पाकिस्तान के होते हैं, तो अब पाकिस्तान के लिए कड़ा इम्तिहान है और कड़े इम्तिहान में, अब पाकिस्तान के लिए कड़ा इम्तिहान है, उस कड़े इम्तिहान में पाकिस्तान देखते हैं कि बड़े मार्जिन से अगर जीतता है, बड़े रन रेट से जीतता है तो सेमीफाइनल में पहुंच जाएगा, मगर अगर सेमीफाइनल नहीं पहुंचा तो ये पाकिस्तान के साथ ज्यादती होगी। ज्यादती किसकी? अंपायरिंग की। अंपायरिंग भी उस अंपायरिंग की, यानी हो सकता है कि फैसला आप पहले तो जो है कभी गलत भी हो जाता था, ये भी हो जाता, ये तो DRS में मशीन में फैसला आया है और उस फैसले को आपने नहीं दिया, तो उस वजह से सब हैरान है कि अंपायर ने इसको नॉट आउट क्यों दिया। खैर, खेल को खेल करके देखिए, खेल का मजा लें। अब तक के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और भी लागू, तब तक के लिए पाकिस्तान जिंदाबाद।